आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक बेसन की सब्जी जो बहुत खाने में अच्छी लगती है। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए हमको चाहिए 3 चम्मच बेसन, और ये बेसन की सब्जी बहुत इजी है बनाना, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बेसन की सब्जी बनाने के लिए हमको 3 चम्मच बेसन चाहिए। बेसन में हम डालेंगे फ्रेंड। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में तेल डाला है 3 चम्मच, उसके बाद अदरक लहसुन और मिर्च काट के रखा है, प्याज छोटे छोटे काट ले बारीक। अभी इसमें हल्दी पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक घोल बनाना है। अभी इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में हमारे ऑयल जीरा डाला है, थोड़ा सा राई डालेंगे और थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और सबको अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च लहसुन और अदरक का कट करके रखा था, तो हम इस सबको फ्राई कर लेंगे और एक बार ये सब्ज़ी बना खाएं। गर्मी अगर आपको कभी भी ज़्यादा लगे फ्रेंड तो ये बहुत झटपट सब्जी बनती है, और ये रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ खा सकते हो। बहुत बनाना इजी है और बहुत बनाना मतलब बहुत ईजी है फ्रेंड, बहुत खाने में टेस्ट लगती है। अब इसमें हम प्याज भी डाल लेंगे, बारीक प्याज काट कट करके रखा है मैंने 2, तो बारीक प्याज भी कट कर लेंगे डाल लेंगे। उसके बाद प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे जो मैंने बेसन में 3 चम्मच बेसन और हल्दी नमक डाला है। अब इसको अच्छा से एक घोल बना लेंगे, घोल मतलब अच्छा सा एक डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद इसमें गुठली नहीं रहना चाहिए। डो बनाने के बाद इसको थोड़े देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। रेस्ट करने के बाद क्या होता है ना, बेसन अच्छे से घोल जाते हैं, जो मैंने मसाला डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और हमारे बेसन का घोल ये देखिए अच्छे लग रहे हैं। और बेसन का घोल जो है हमारे अच्छे से तो मिक्स हो चुके हैं, तो हमारे प्याज भी भून चुके हैं। तो अब इसमें हम घोल डाल देंगे फ्रेंड, और घोल डालने के बाद आपको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होता है ना, बेसन जो है जड्डा होता है तो बेसन आपके दम जम जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें अभी हम एक कटोरी पानी और डालेंगे, क्योंकि हम जो सब्जी बना रहे हैं वो सब्जी जो है ना, वो थोड़ा सा सब्जी पतली होती है तो खाने में अच्छी लगती है। तो इस सब्जी को हम इस तरह से अब इसमें पानी डाल दें, अब इसको चलाते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है। और एक बार ये सब्जी बना खाओगे ना, सारी सब्जी भूल जाओगे, इतनी लाजवाब ये रेसिपी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे हमारी बेसन की जो सब्जी है, हम इसको हिलाते रहेंगे और अच्छे से बेसन को, जब तक से हमारी बेसन की जो सब्जी अच्छे से अच्छे से पक नहीं जाती, तब तक से इसको हिलाते रहना है। और जब तक से इसमें फ्रेंड जो तेल मसाला हमने डाला है, तेल मसाला अगर ये सब्जी आपकी रेडी हो जाएगी तो क्या होता है ना, इसमें तेल मसाले घी छोड़ देते हैं, तो ये अगर आपके इसमें घी और तेल छोड़ देते हैं तो समझिए ये बेसन की जो सब्जी है रेडी हो चुकी है, खाने के लिए फटाफट रेडी हो चुकी है। अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे, नमक डाल लेंगे, और नमक डालने के बाद फिर हम सिर्फ 5 मिनट इसको पकाएंगे, उसके बाद हमारी ये सब्जी बन के दम तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ठंडा करने के बाद हम इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। अब इसमें मैंने कस्तूरी मेथी डाला है, सूखी मेथी है। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी ना हो फ्रेंड तो आप इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, उससे तो और इसमें स्वाद आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और हो सके तो पुदीना का पत्ता भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सब्जी दम रेडी हो, क्योंकि इसमें तेल मसाले जो भी थे कलर छोड़ दिया है, हमारे तेल अलग हो चुके हैं, बेसन है जो अलग हो जाए, इसमें बहुत लाजवाब खुशबू आती है। तो फ्रेंड फटाफट देर ना करते हुए ये आप भी सब्जी बना के खाएं। अगर आपको कभी भी कोई सब्जी समझ में ना आता हो तो ये सब्जी फटाफट 5 मिनट में बन जाती है, बहुत कम समय में ये सब्जी रेडी हो जाती है। तो आप भी लेट ना करें और फटाफट ये सब्जी बना के अपने घर में खाएं। तो फ्रेंड आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबाइए, कि आपको हर नई नई रेसिपी का विकेशन मिल सके। जितना हो सके हमारा वीडियो शेयर भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये बेसन की सब्जी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड हम अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक से अब हम बनाएंगे गवार फली। ये गवार फली है फ्रेंड, और हम बढ़िया की सब्जी बनाएंगे, क्योंकि जब अखा तीज आता है ना तो ये सब्जी हमारे घर में बनता है। यहाँ राजस्थान में अखा तीज को ना बाटी और ये सब्जी जरूर बना के खाते हैं, बढ़िया जो है
ये बड़ी है जो इसको कूटते नहीं है, एकदम खड़े खड़े ही डालते हैं, और ये ज़रूर खाना चाहिए। उस दिन बाटी के साथ दाल नहीं खाते हैं तो ये सब्जी बना के खाते हैं। अगर अखा तीज आप लोग भी मनाते हो तो ये सब्जी बना के ज़रूर खाएं, बहुत शुभ होता है फ्रेंड, और बहुत का तो अच्छा होता है। गवार फली और बढ़िया की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए हमने गवार फली को पहले से कट करके रखा है। अब मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, कढ़ाई में 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा ऐड कर लेंगे हम। इसमें हम डालेंगे सॉफ्ट डालेंगे थोड़ा सा इसमें हम राई डालेंगे, थोड़ा सा मेथी डाला है हमने, और सबको चटकने देंगे। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, तो अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्वार जो फली है, वो फली को हम फ्राई कर लेंगे 5 मिनट की बढ़िया। अगर बढ़िया भी डाल दोगे तो क्या होता है ना, बड़ी जल जाती है, तो उसको बाद में ही डालेंगे हम। तो इसको थोड़ा देर फ्राई करेंगे हम। फ्राई करने के बाद ये सब, अब हम ना हमारे जो ग्वार फली है फ्राई हो चुकी है, तो हम इसमें बढ़िया ऐड कर देंगे। और इसकी भी सब्जी एक बार ज़रूर बना के खाएं, बहुत अच्छी लगती है। और अखा तीज को तो ज़रूर खाएं, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हो तो अखा तीज को ज़रूर खाएं फ्रेंड, बहुत का तो शुभ माना जाता है। और स्थान में लोग बहुत ये सब्जी, जिस दिन अखा तीज होती है ये सब्जी सबके घर में ज़रूर बनती है, और इसके साथ बाटी भी बनती है। तो अब हमने बढ़िया को और सबको फ्राई कर लिया। अब इसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है, तो मैं इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैंने मसाला डाला है, वो जो मैंने मसाला पहले से बना कर रखा था, तो मैंने आधी चम्मच एक मसाला डाला है। वो मसाला आप घर में भी बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो वो मसाले में मैंने क्या क्या डाला फ्रेंड, वो हम रेसिपी जल्दी डालेंगे यूट्यूब पे, तो आप ज़रूर देखें। तो इस तरह से हमारी सारी सब्जी अच्छे से भूज चुकी है, बढ़िया भी भूज चुकी है। हमारी ग्वार फली जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले, जो मैंने आपको जो जो दिखाए मसाले, हम डाल के इसमें अच्छे से मसाले को भूज लेंगे। और मसाले को भूजने के बाद इसको अब 5 मिनट हम भूजेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। और पानी थोड़ा डालें, काहे कि बढ़िया जो है पानी सोखता है, तो पानी अगर आप कितना डालोगे ना ये पानी सोख लेता है। तो अगर आपको इसको लट झटपट मतलब ये सूखा सब्जी खाना है तो इसमें थोड़ा पानी डालें, अगर आपको झोल वाली खाना है तो पानी डालने के बाद ये क्या था ना, ढक दोगे ना तो ये पानी सोख लेता है। अब इसमें हम थोड़ा सा आधी चम्मच नमक डाला, नमक अनुसार डालें। अगर आप अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारी सब्जी अच्छे से भूज चुकी है। मसाले भी 5 मिनट मैंने पका लिया है, तो मसाले भी अच्छे से भूज लें, नहीं तो मसाले कच्चे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे मसाले जो है अच्छे से भूज चुके हैं, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी अभी नहीं ऐड किया है, मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाला है, क्योंकि अगर आपके पास कोई दही, क्रीमी दही हो तो वो डालें, अगर दही ना हो थोड़ा सा इसमें मिलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप सब्जी बनाते हो ना, बहुत खाने में अच्छी लगती है। तब इसमें हमने दही डाल दिया है, अब थोड़ा सा 2 मिनट भूज लेंगे। भूजने के बाद अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर में भी ग्वार फली की सब्जी बनाएं, और ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, हम इसे बोल रहे थे अगर आपको पानी वाली सब्जी पसंद है तो आप पानी डाल सकते हो, लेकिन हमने सूखा ही सब्जी रखा है, क्योंकि ये सूखी सब्जी खाने में अच्छी लगती है, तो लटपट सूखी सब्जी बनाएं। अगर फ्रेंड आपको ग्वार फली और बढ़िया की सब्जी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में डालें, जितना हो सके हमारा वीडियो शेयर भी करें, और हो सके फ्रेंड हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो हम नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे फ्रेंड। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम तीसरे वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तीसरा वीडियो में हमने क्या बनाया फ्रेंड, तो वीडियो मिस ना करें, वीडियो शुरू से पूरा देखें और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो अगर आप मिस करोगे तो पता नहीं चलेगा। अब हम बनाएंगे सूखी जो रोटी होती है फ्रेंड, अगर आपके घर में बासी रोटी बढ़ जाती है तो आप फेंका ना करें। बासी रोटी में बहुत ताकत होता है, जितना आप ताज़ी रोटी खाते हो उतना नहीं, बासी ठंडी रोटी में बहुत ताकत होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो। तो इस रोटी का हम एक अच्छा सा पोहा बनाएंगे,
बहुत अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे इस रोटी का, सूखी हुई रोटी का फ्रेंड, बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। अगर आपको रोटी सब्जी बनाने का टाइम नहीं है तो अगर आपके पास सूखी रोटी बच जब भी रोटी बचता बच जाता है तो आप सूखी रोटी को सुखा लें थाली में डाल के। सुखाने के बाद आप इस तरह से देखिए, मैंने 3 चम्मच 4 चम्मच ऑयल लिया है, इसमें हमने जीरा डाला है, राई डाला है, और जीरा राई डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे, हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे हम। फ्राई करने के बाद इसमें हमने प्याज कट करके रखा है, 2 प्याज है जो मैंने बारीक कट करके रखा है, तो प्याज को फ्राई कर लेंगे हम। और प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड करेंगे, टमाटर मैंने 2 टमाटर कट करके रखा है तो टमाटर ऐड कर देंगे हम, और टमाटर डाल के भूज लेंगे अच्छे से। भूजने के बाद फिर बहुत झटपट ये नाश्ता बहुत जल्दी तैयार, और एक बार ये खाओगे ना तो ये आप ताज़ा रोटी, ये बासी रोटी खाने में फ्रेंड बहुत ताकत होती है, ज़रूर खाना चाहिए। आप लोग अपना ठंडी रोटी बाहर ना फेंकें, अगर आपको पसंद ना हो तो रोटी को सुखा के इस तरह से आप नाश्ते बना के खाएं, बहुत हेल्दी होती है और ताज़ी रोटी से ज़्यादा हेल्दी होती है। तो अब इसमें हमने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा हमने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हमारी ये मसाले को अच्छे से भूज लेंगे। भूजने के बाद इसमें हम कम से कम 2 लोटा 2.5 लोटा इसमें पानी डालेंगे कि जो हम रोटी बना रहे हैं, रोटी का नाश्ता बना रहे हैं, उसमें पानी पानी का मात्रा ज़्यादा होता है क्योंकि जो सूखी रोटी है उस वो पानी सोखता है, तो जब तक से हमारे पानी उबल नहीं जाते हैं तब तक से इसको उबालना है। जब हमारे पानी अच्छे से उबल जाएंगे, जैसे आप मैगी बनाते हो फ्रेंड, तो मैगी के जैसा ही बनाते हैं और बहुत 5 मिनट में 2 मिनट में भी बन के रेडी हो जाती है, तो झटपट ये भी टेस्टी सा नाश्ता बना खाएं, आपकी रोटी भी वेस्ट नहीं होगी और अच्छा सा टेस्टी सा नाश्ता बन जाएगा और बहुत हेल्दी भी है। तो इस तरह से देखिए हमारे पानी उबल चुके हैं, तो हमने पानी में रोटी डाल देंगे और 10 मिनट इसको पकने देंगे। 10 मिनट में ये पूरे पानी सोख लेता है, और फिर इसको दही के साथ, छाछ के साथ और रायता के साथ सर्व करें और ये खाएं। पापड़ ज़रूर इसके साथ रखें क्योंकि पापड़ खिंचा होता है, इसके साथ ज़रूर रखें और बहुत खाने में अच्छी लगती है। तो फ्रेंड ये रोटी का आपका नाश्ता कैसा लगा ज़रूर बताएं, जितना हो सके ये इस वीडियो शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये फ्रेंड हमारी रोटी का नाश्ता बन गया। अब हम बनाएंगे तरी वाली मिर्ची का अचार। जो फ्रेंड तरी वाली मिर्ची का जो अचार है ना, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आपको पता है पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको जलन हो रहा है, चाहे एसिडिटी हो रही है, तो ये वाली अचार बना के जरूर घर में रखें, और इसको हो सके तो इसका पानी ज़रूर पिए। ये पानी पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे एसिडिटी भी बहुत दूर होती है। हम जो मसाले वाले अचार लगाते हैं उससे बहुत बेहतर ये अचार होती है, तो इसको तरी वाली अचार बोलते हैं, पानी वाले भी अचार बोलते हैं, पानी तरी वाली मिर्ची का अचार। तो इसको हमने कैसे लगाया है, वीडियो मिस ना करें, वीडियो शुरू से अंत तक देखें और लास्ट तक देखें। तो मैंने देखिए, मैंने कम से कम 125 ग्राम मिर्चा लिया था, और 250 ग्राम मिर्चा में मैंने पहले तो आपको मिर्चा को अच्छे से साफ़ कर लेना है, धो लेना है। और हाँ फ्रेंड, मिर्चा को नाखून लगा कर ज़रूर देखें कि आपके मिर्चा में अगर नाखून नहीं जा रहे हैं तो समझ लीजिए वो प्लास्टिक का मिर्चा है। अगर आपके मिर्चा में नाखून जा रहे हैं तो समझिए वो मिर्चा कुदरती है और वो मिर्चा सही है, क्योंकि अब मिर्चा जो आ रहा है ना प्लास्टिक के भी आ रहे हैं। तो आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखें, और जितना हो सके अपने कोई भी सब्जी खा रहे हो तो नाखून जरूर लगाएं, क्योंकि अब हर चीज़ में प्लास्टिक मिक्स हो रहा है तो हम लोग खा लेते हैं और फिर सेहत बहुत ख़राब हो जाती है और पेट में बीमारी होती है, अलग अलग बीमारी होती है। तो आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखें। तो इस तरह से हमने पानी का अचार मैंने कैसे लगाया है, वीडियो शुरू से अंत तक देखें फ्रेंड, और जितना हो सके हमारा वीडियो शेयर करें। और प्लीज़ फिर से एक बार बोल रहे हैं, जब भी आप मिर्चा का अचार मिर्चा खाते हो ना, तो प्लीज़ इस तरह से नाखून ज़रूर लगा के देखिए। देखिए ये वाली मिर्ची है ना, मतलब बहुत, मतलब ये पेड़ से तोड़ी हुई मिर्ची है और बहुत मतलब सॉफ्ट मिर्ची है। तो पहले इसको हम पानी में उबाल लेंगे 5 मिनट के लिए, इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 5 मिनट के लिए पानी में उबालेंगे। उसके बाद जब ये उबल जाएगी मिर्ची तो गैस को बंद कर देना है, और ये जो पानी है मिर्ची का उसको फेंकना नहीं। तो देखिए हमारी मिर्ची अच्छे से उबल गई है, अब इसको बीच में मिर्ची को कट लगा लेंगे। कट लगाने ये पानी है उबला हुआ मिर्ची का, तो ये पानी को बाहर नहीं फेंकना है और पानी को रखना है। तो इस तरह से
बीच से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद इसमें हमने क्या क्या मसाला डाला है वो ज़रूर देखें। और मसाला भी बिरयानी इसमें बहुत कम मसाले की ज़रूरत पड़ती है, जो ये तरी वाली अचार है मिर्च का, ये इसमें आपको ज़्यादा मसाला। तो देखो ये मैंने राई का पाउडर लिया है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच राई का पाउडर लेंगे, क्योंकि 250 ग्राम ही हमारा मिर्चा है तो उतना ही हम मसाला डालेंगे। तो मैंने 1.5 1.5 चम्मच मैंने राई पाउडर लिया है, और 1 चम्मच इसमें हमने नमक डालेंगे, नमक ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करने के बाद इसमें हम कलौंजी और सौंफ, मेथी ये सब डाले। और ये रहा राई का दाल, जो राई का दाल होता है वो मैंने 1 चम्मच डाला है। अब इसमें आधी 1 चम्मच छोटी चम्मच से कलौंजी डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, और 1 चम्मच मेथी डालेंगे। सब छोटी चम्मच से 1 चम्मच डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें, हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके। और फ्रेंड इसमें क्या है ना, ये डब्बे में डाल के मिर्ची का जो अचार है इसको, तरी वाली मिर्ची का अचार, तो डब्बे में डाल लें। और डब्बे में डालने के बाद इसको आपको 2 दिन 3 दिन पानी रखना है, उसके बाद आपके अचार रेडी।